नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने गुरुवार यानी 13 जुलाई 2023 को दिग्गज भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को नोटिस जारी किया। विनेश फोगाट को अब 2 सप्ताह में जवाब देना होगा। विनेश को ये नोटिस बताए गए पते पर नहीं मिलने के कारण जारी किया गया है। रिपोर्ट की माने तो डोप नियंत्रण अधिकारी ने डीसीओ ने 27 जून को दिए गए पते हरियाणा के सोनीपत स्थित प्रताप कॉलोनी का दौरा किया था, लेकिन विनेश फोगाट वहां नहीं थी। डोप नियंत्रण अधिकारी की उनसे फोन पर भी बात नहीं हो पाई थी। खबर में ये भी कहा गया कि डीसीओ ने विनेश फोगाट तक पहुंचने की कोशिश में 40 मिनट से अधिक समय तक इंतजार किया। उन्होंने विनेश के पति सोमवीर राठी को भी फोन किया, लेकिन उनकी ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने पहलवान विनेश फोगाट को डोपिंग रोधी नियमों के ठिकाने की आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता पर खत लिखा है और डबल विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता को जवाब देने के लिए 14 दिनों का समय दिया है। फोगाट एनएडीए के रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल यानी आरटीपी का हिस्सा है, जो उन्हें हर तिमाही की शुरुआत में ठिकाने के बारे में जानकारी दाखिल करने के लिए बाध्य करता है। इसमें आगामी तिमाही में प्रत्येक दिन आपके ठिकाने के बारे में कुछ खास जानकारी प्रदान करना शामिल है और टेस्टिंग के दौरान उनका वहां प्रेजेंट रहना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर रिजल्ट मैनेजमेंट यानी ISRM के मुताबिक जरूरी है। उनके हालिया ठिकाने की फाइलिंग के मुताबिक फोगाट ने 27 जून को रात 10 बजे अपने सोनीपत स्थित आवास पर परीक्षण के लिए समय और तारीख अंकित की थी, लेकिन जब डीसीओ वहां तय तारीख को पहुंचे तो वहां वो मौजूद नहीं थी। विनेश अगर 12 दिनों के अंदर नाडा को संतोषजनक जवाब दे देती हैं तो उनके लिए ये कोई चिंता की बात नहीं होगी, क्योंकि उनके साथ पिछले 12 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसे में इसे डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। नियम के मुताबिक अगर 12 महीने में ऐसा 3 बार हो जाता तो इसे डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन माना जाता और सजा के तौर पर खिलाड़ी को 2 साल तक के लिए निलंबित किया जा सकता है। डोपिंग रोधी नियमों के तहत ठिकाने संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होता है। जो एथलीट रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल RTP का हिस्सा है, उन्हें हर 3 महीने में अपने ठिकाने की जानकारी अपडेट करनी होती है। इसके लिए एंटी डोपिंग एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें खिलाड़ी को अपना पता, ईमेल, फोन नंबर, कार्यसूची, प्रशिक्षण स्थल और कार्यक्रम की जानकारी भी देनी होती है। विनेश फोगाट दिसंबर 2022 से RTP का हिस्सा है। विनेश फोगाट उन पहलवानों में शामिल थी जिन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजभूषण चरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 जकार्ता एशियाई खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2023 से प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापसी की है। ये प्रतियोगिता हंगरी में 13 से 16 जुलाई 2023 तक चलनी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।